आज उत्तर प्रदेश में चल रही 31,277 पदों पर शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं फाइल थी, जिनकी सुनवाई यूयू ललित सर की बेंच में 4 नंबर पर होनी थी। तो साथियों, अपडेट आ चुकी है, यूयू ललित सर की 4 नंबर की जो केस है उसकी सुनवाई समाप्त हो चुकी है और उन्होंने 31,277 जो भर्ती प्रक्रिया है, जो सीटें भरी जा रही हैं, इस पर रोक लगाने से पूरी तरह से उन्होंने इनकार कर दिया है। और साथ में उन्होंने कहा है कि सरकार 31,277 जिन पदों को भर रही है वह अपने रिस्क पर भर रही है। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि आज जो हमारी कोरम बेंच है, यानी जिसने आदेश को रिजर्व किया, मोहन सर और यूयू ललित सर, इन दोनों की बेंच ने इस 69,000 कट ऑफ मामले के आदेश को रिजर्व किया था, तो वो साथ में नहीं बैठे हैं। इस कारण से हम इस पर किसी भी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करेंगे, इससे संबंधित कोई भी स्टे या आदेश जारी नहीं करेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि अगर सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई कार्य कर रही है तो अभ्यर्थी चाहें तो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, उसके तहत हम अपनी बेंच में सुनवाई करेंगे और सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इतनी बातें उन्होंने कही। तो कुल मिलाकर जिन अभ्यर्थियों का 31,277 लिस्ट में नाम है और वो काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि भर्ती प्रक्रिया पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। कुल मिलाकर 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र सभी को वितरित किए जाएंगे।